पहली बात सुन, 13 में देखें क्या कह रहा है भाई। 13 में कह रहा है कैपिटल इनकम क्या चीज है। कैपिटल इनकम क्या होता है भाई? कैपिटल इनकम का मतलब ये है भाई, वो इनफ्लो जो हमारा बार बार हो रहा है, ये कैपिटल इनकम कहलाएगा। वो इनफ्लो जो बार बार हो रहा है कैपिटल इनकम। तो बताएं भाई कौन सा होना चाहिए कैपिटल इनकम इनमें से। कह रहे कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। हाँ ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रोज रोज तो ऑफिस इक्विपमेंट नहीं बेचेंगे हम, कभी कभार बेचेंगे, तो ये कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट कहलाएगा। सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक तो रोज रोज बिकता है, तो ये तो क्या होगा हमारा रेवेन्यू रिसीट होगा। रोज रोज स्टॉक बिकता है तो, अरे बात सुन, स्टॉक रोज रोज बिकता है तो ये रेवेन्यू होगा। और चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर से पैसे आ रहे हैं, चेक रिसीव तो क्या होगा भाई, क्रेडिटर से पैसे आ रहे हैं। सॉरी, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर, भाई जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो रेवेन्यू रिसीट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सप्लायर को जल्दी पैसे देंगे तो डिस्काउंट रिसीव हो। रेंट रिसीव भी बार बार होता है, वो भी रेवेन्यू होगा, तो कैपिटल रिसीट होगा ए आंसर। सही जी, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे बात करते हैं। 13 के बाद हम बात करते हैं 14 पे। 14 में देखें क्या कहते हैं। 14 14 में कहता है बिजनेस अलाउड स्मिथ अ कस्टमर, बिजनेस अलाउड स्मिथ अ कस्टमर $30 कैश डिस्काउंट। क्या मतलब भाई? हमने स्मिथ को, कस्टमर को $30 का कैश डिस्काउंट दिया। ये जो कैश डिस्काउंट है ये अलाउड होगा या रिसीव होगा? हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, ये हमारे लिए होगा अलाउड। सही जी, दिस वॉज एंटर्ड करेक्टली इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वो कह रहा है डिस्काउंट अलाउड को तो हमने सही डेबिट कर दिया है, बट ऑमिटेड फ्रॉम स्मिथ अकाउंट। एंट्री क्या बनी चाहिए? डिस्काउंट अलाउड डेबिट और स्मिथ का अकाउंट क्रेडिट। हमने क्या किया भाई, हमने ये किया कि डिस्काउंट अलाउड को तो हमने डेबिट कर दिया लेकिन स्मिथ को क्रेडिट करना भूल गए। सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन, वॉट वॉज अ करेक्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड। भाई अब देखें आसान है, जब हम डिस्काउंट अलाउड होते हैं हम एंट्री बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा वो कह रहे हैं हमने क्या किया, करेक्टली एंटर्ड इन डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया लेकिन स्मिथ को क्रेडिट करना भूल गए। अब हम क्या करेंगे, स्मिथ को क्रेडिट करेंगे। स्मिथ कहाँ क्रेडिट हो रहा है? एक तो ए में हो रहा है और एक डी में हो रहा है। अच्छा डेबिट पे क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड आना चाहिए, सस्पेंस आना चाहिए। सस्पेंस आना चाहिए क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। सही है, तो अब हम सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट, और स्मिथ को क्रेडिट कर देंगे, तो डी आंसर है। उसमें 15 में क्या कह रहा है, जसवान मेंटेन्स अ कंट्रोल अकाउंट फॉर हर सेल्स लेजर। क्या कह रहा है भाई, कंट्रोल अकाउंट बना रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, उसका रीजन क्या है? कहता है टू कैलकुलेट द अमाउंट ओड टू सप्लायर। भाई सेल्स लेजर में अमाउंट ओड टू सप्लायर तो नहीं होगा ना, सेल्स लेजर में तो आपका कस्टमर होगा ना, तो ये तो बात गलत लग रही। टू कैलकुलेट टोटल सेल, भाई जो कंट्रोल अकाउंट होता है उससे टोटल सेल आती है, क्रेडिट सेल आती है, उससे क्रेडिट सेल आती है मेरे भाई, टोटल सेल नहीं आती। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सेल लेजर, बात सही है भाई। कंट्रोल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए हैं वो पता लगे वो एक्यूरेट है भी या नहीं है। टू मेक द ट्रायल बैलेंस टोटल अग्री, हम चाहते हैं हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल क्या हो जाए, एग्री हो जाए। क्या चाहते हैं भाई, हम ये चाहते हैं हम जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टू मेक, नहीं, कंट्रोल अकाउंट जो है वो इसलिए नहीं बनाते कि ट्रायल बैलेंस जो है वो, ट्रायल बैलेंस से कंट्रोल अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं। कंट्रोल अकाउंट जो है वो होता है, यूज होता है रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन जो कंट्रोल अकाउंट के, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो AS लेवल में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले साल। तो कंट्रोल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि इंडिविजुअल अकाउंट जो बनाए वो सही बनाए या नहीं बनाए ये पता लग जाए। सही है जी,